वीएचपी के नेता साध्वी प्राची ने बार बार से एक विवाद बयान दिया है और इस बार उन्होंने आज यानी 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई दीप जलाने की अपील के दौरान दीप प्रज्वलित करते वक्त बड़ा बयान दिया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि देश में जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो मुस्लिम धर्म गुरुओं की सोची समझी साजिश है और जो भी हिंदुस्तान में कोरोना फैला रहे हैं इसलिए इनको तो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में अंदर कर दो, धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाएगा और जो फर्जी वीजा लेकर यहाँ हिंदुस्तान में आए थे इन पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो जाए और इन्हें अंदर कर दो तो देश से कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जाहिल तबलीगी जमातियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए और इन्हें मस्जिदों में बंद कर लगा दो ताला तो इन्हें 72 हूरों के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के लॉकडाउन कर कोरोना से निपटने के हालातों को संभाला था लेकिन इन जाहिल जमातियों ने हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ दिया थी। लेकिन हजरत निजामुद्दीन से जो जमाती चले हैं कई हजार की संख्या में, इनको लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने उस दिन भी आवाज उठाई थी और प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मैंने प्रार्थना की थी, आज भी मैं कह रही हूं आपके चैनलों के माध्यम से, ये जो जाहिल तबलीगी जमात है ना, इस पर कम से कम हिंदुस्तान के अंदर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए, इनका कोई इलाज नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ, मैं मानवता की पुजारी हूँ, हिंदुस्तान मानवता का पुजारी है और होना चाहिए हमको, लेकिन ये नर्सों पर थूक रहे हैं, पुलिस के साथ में दरिंदगी कर रहे हैं, पुलिस के साथ में इतना अभद्र व्यवहार, पथराव कर रहे हैं। एक प्रयाग के अंदर पता चला हमारे निषाद परिवार के एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, ये जाहिल कौम सुधर नहीं सकती, इसीलिए इन पर प्रतिबंध करो और इनका कोई इलाज नहीं, इनको मस्जिदों में बंद करो, कुरान का पाठ करते करते इनको 72 हूरों के दर्शन हो जाए, इनका केवल यही इलाज है, सरकार को कोई पैसा इनके ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। सरकार मुकदमे तक ही सीमित रह जा रही है, मुकदमे हो रहे हैं, ये कैसी, कौन सी ऐसी कार्रवाई है जो जिस पर ये लगाम लग सके? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने भी प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया है, सब जो सामाजिक कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, सब प्रार्थना करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, दूरी बना के रखो, लेकिन अभी भी देख रहे हम मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक